हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सेकंड रोज़ा और हम जा रहे हैं इफ्तार पर। मैं बताती हूँ सुबह से हुआ क्या। सहरी तो मैं करती नहीं हूँ, मैं मुझे ना पता नहीं, सहरी में कुछ खाने का मन नहीं करता। मैं कुछ नहीं खाती और कभी कभी खा लेती हूँ, वरना तो नहीं खाती। तो अब उसके बाद मैं मेरा ऑफिस था, मैं ऑफिस गई। हाँ, सबसे अच्छी बात ये होती है जो आपके ऑफिस आवर्स है ना, वो ना 6 आवर्स हो जाते हैं 9 आवर्स की जगह। तो ये तो भाई बेस्ट चीज़ है। तो बस अभी मैं आई हूँ, 4:30 बज रहे हैं अभी और हम निकल गए हैं शारजा के लिए। और आई विश आज मैं पूरा अपना इफ्तार का इफ्तार मतलब पूरा कवर कर पाऊँ वीडियो पे, वरना कल तो हो नहीं पाया था क्योंकि कल हम लेट हो गए थे, ट्रैफिक बहुत था यार। तो चलिए मैं दिखाती रहूँगी आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, आज कहीं जाएंगे या नहीं कुछ नहीं पता अभी। लेट्स सी, प्लान तो बनते ही रहते हैं। तो जा रहे हैं हम शारजा। और यहाँ पर मैं मौसम इंजॉय करते हुए, मतलब इतना अच्छा मौसम है, बस क्या बताऊँ, ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल परफेक्ट मौसम। और ये देखो रोड का तो बनता है, मैं आराम से बैठी हूँ। यार ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा इसे तो रिकॉर्ड करना बनता है। यार मस्त लग रहा है ना, कमेंट में बताना। फाइनली आज हम ना 15 मिनट में शारजा पहुंच गए क्योंकि आज हमें ट्रैफिक नहीं मिला। कल हम 1 घंटे में पहुंचे थे और हमारा रोज़ा भी निकल ही गया था, 5 मिनट लेट पहुंचे थे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं इफ्तार में क्या क्या करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास आज टाइम ही टाइम है। तो अब हम निकल गए हैं अपनी काका के घर के लिए। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना ब्लू कलर की, हाँ ये वाली जो मैं दिखाई है वो मेरे काका का घर है। मतलब कितना मस्त लग रहा है ना व्यू वैसे। और अब हम पहुंच गए हैं घर के अंदर। तो अब हम कर रहे थे इफ्तार प्रिपरेशन। तो यहाँ पे ना आज मेरे हस्बैंड ने ना वो बनाया था शाही टुकड़ा, जिसकी रेसिपी मैं अपने पेज पे अपलोड करूँगी। बहुत बहुत मस्त बनकर आया था यार, बहुत टेस्टी। तो इसका आई थिंक मैंने एंड का वो शूट नहीं किया। ये देखो ये जो बीच में ना वाइट वाइट वाला, ये रहा वो सिंगल नहीं शूट किया, सिंगल मैं उसमें ही डालूंगी, ठीक है। और ये रहा हमारा इफ्तार। अभी इसमें 2 चीज़ मिसिंग है, एक है क्या बोलते हैं, मेरे कज़न ने वो बनाई थी चिली, वो सॉरी गार्लिक, चीज़ी गार्लिक ब्रेड वो जो थी। और मेरा काम था वीडियो शूट करना और चीज़ें जो बन चुकी थी ना उसे ले जाके टेबल पर रखना। तो ये पकौड़ियाँ बन गई हैं, मैंने रख दी ले जाके टेबल पर। और मुझे कमेंट में बताना आप लोग के यहाँ पे इफ्तार में मेनली क्या बनता है। मतलब हमारे यहाँ पकौड़ी और चाट, फ्रूट चाट और क्या बोलते हैं, मतलब दही फुल्की, ये तो मस्ट होती हैं, 3 चीज़ें तो ये मस्ट है, और चने भी। और ये हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई है। कितनी मस्त बनी थी यार ये, इसकी मैंने वीडियो शूट की है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपको ये लैला की उंगली पसंद है या नहीं जो कमेंट में बताना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हो रहा है इफ्तार का टाइम, हम सब वेट कर रहे थे इफ्तार जल्दी से, मतलब रोज़ा हमारा पूरा हो। और ये हो गया है, ये रही खजूर। और आफ्टर ईटिंग इफ्तार मैंने उसके बाद आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद हम लोग का चाय पीने का, मतलब मैं तो चाय पीती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कड़क कड़क चाय। ये रहा मेरा कप चाय का। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा, मतलब ऑफ़ कोर्स इसके बाद हमने डायरेक्ट खाना नहीं खाया, लेकिन हमने थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद खाना खाया इशा की नमाज के बाद और तरावी के बाद। और मेरी ना काका ने बनाई थी मसाले वाली बिरयानी, इतनी मस्त बनी थी ये। आप मुझे कमेंट में बताना आपको अपनी बिरयानी में आलू पसंद है या नहीं। देखो मेरे यहाँ डलते नहीं हैं लेकिन मेरी काका डालती हैं, जो मैं यूपी में, यूपी साइड मेरे यहाँ डलते नहीं हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब ये आलू बिरयानी में। आप मुझे कमेंट में बताना कि बहुत सारों को नहीं पसंद आते लेकिन मुझे आते हैं यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार बिरयानी में आलू। और ये मतलब इतनी अच्छी बनकर आई थी, इतनी अच्छी खुशबू आई थी। और पता है इसमें ना स्मोकी फ्लेवर भी दिया था, जो वो होता है ना कोयला, उसको ना उसका मतलब वो भी दिया था धुआँ। और मेरी प्लेट ये रही और मैंने ज़्यादा खाई थी क्योंकि मेरी बिरयानी यार प्यार है। फिर उसके बाद खा पी के हम 1 घंटे बाद हम लोग अपने घर निकल गए। और ये हम लोग रोड का, मतलब आई ट्राई कि मैं सब चीज़ें कवर करूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी कवर कर ही लेती हूँ यार। तो अब हम अपने घर आ गए हैं और मैं इस व्लॉग का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो इफ्तार का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ऐसे मेरे छोटे छोटे से व्लॉग देखने के लिए। और वैसे भी मैं सीख रही हूँ व्लॉगिंग करना, आ जाएगा यार। तो बस यही बोलना था, चलो जी, ओके बाय।